राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे अचानक जो सुर्खियों में आए वीर मान के बारे में। यूपी सेन का क्या कनेक्शन है और उनके संघर्ष की क्या कहानी है। रिंकू सिंह राजपूत, उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले भदोही का नाम अब WWE में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहाँ के रिंकू सिंह राजपूत और वीर मान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे उन पर पूरा देश जो है नाज कर रहा है। बता दें कि वीर मान ने जो है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट का खिताब जीता है। इसके बाद पूरे जो है जनपद में जो है खुशियों का माहौल है। चलिए बताते हैं इनके बारे में। रिंकू सिंह राजपूत का जन्म 8 अगस्त 1988 को गोपीगंज के दौलपुर गांव में हुआ था। उसके पिता पहले ट्रक चलाकर घर का खर्चा चलाते थे। अब वो जो है किसान है। सात समंदर पार अमेरिका में WWE टूर्नामेंट में जीत हासिल करने वाले वीर मान सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं। माथे पर त्रिपुंड सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फेमस है। गले में रुद्राक्ष की माला और बाजू पर श्री राम का नाम वाला वीर मान का लुक सभी को जो आकर्षित करता है। अपने बेटे की जीत की खुशी जताते हुए रिंकू के पिता ब्रह्म दीन का कहना है कि मैंने ट्रक ड्राइवर का काम कर पूरे परिवार का भरण पोषण किया है। इसके बाद खेत जोत कर किसानी का काम किया। सभी बच्चों की परवरिश बड़ी मेहनत और बड़े जतन से की है। आज उनकी सफलता देखकर काफ़ी खुशी होती है। वहीं रिंकू के बड़े भाई का कहना है, रिंकू हम सात भाई बहनों में पला बड़ा सबसे छोटा भाई है। रिंकू ने 2018 में WWE में खेलने के लिए रिंग में कूदे थे। वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे भाई ने काफ़ी स्ट्रगल किया है और आज भी करता आ रहा है। छोटे से गांव से लेकर अमेरिका जैसे देश में नाम कमाने तक का सफर बड़ा दुख और दर्द से छिपा हुआ है। हमारे पिता ब्रह्मदीन सिंह ने जो कड़ी मेहनत करके हमें अच्छी परवरिश दी है। मेरे भैया भी सब में है, हम फौज में हैं तो तीसरा भाई सपोर्ट कोटे से रेलवे में है। और जो है पूरी दुनिया वीर मान और रिंकू सिंह राजपूत के नाम से उनको जानती है। वो चौथा और सबसे छोटा भाई है। उन्होंने बताया कि रिंकू ने भदोही और लखनऊ में कई मेडल जीते हैं। इसके बाद उन्होंने 2007-08 में द मिलियन डॉलर आर्म नाम के टैलेंट शो में हिस्सा लिया जहाँ उन्हें राष्ट्रीय भाला प्रतियोगिता में विजेता बनने के अनुभव के तहत जो टैलेंट शो में चुना गया और पिट्सबर्ग पायरेट्स के साथ जो जुड़ने पर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। रिंकू ने पहले जेवलिन थ्रो में भी नाम कमाया था। स्पीड अच्छी होने की वजह से उन्हें अमेरिकी बेसबॉल टीम में भी चुना गया था। फिलहाल रिंकू 2018 में से जो है WWE कंपनी के साथ हैं और वो WWE के नेक्स्ट रिंग में कुश्ती खेल रहे हैं। रिंकू के भाई ने कहा कि हम उसकी शादी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिंकू अभी और खेलना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रिंकू पर 2014 में एक फिल्म बनकर रिलीज हुई थी। अमेरिका में मौजूद रिंकू सिंह राजपूत और वीर मान ने टेलीफोनिक वार्ता में कहा कि अपनी जीत का पूरा श्रेय माँ बाप को दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े ही निस्वार्थ से उनका भरण पोषण किया है। अपने लुक को लेकर उन्होंने कहा कि वो प्रभु श्री राम को आराध्य मानते हैं इसलिए उन्होंने बांह पर श्री राम नाम का जो टैटू बनवाया है। उनका कहना है कि प्रभु श्री राम सभी के आदर्श हैं, हमें उन्हीं के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। ये जो है बड़े बड़े स्टार के साथ जो है कुश्ती लड़ चुकी है। WWE फाइट। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।